अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? क्रिकेटर नहीं होती तो शायद ही मैं सिंगर रहती, आए क्योंकि अब राजेश्वरी सिर्फ हिंदी में बात करेगी, प्योर हिंदी में, क्योंकि अब तो इतनी आदत हो गई हिंदी में बात करते करते अब क्या करे दी, इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाती हूँ तो हिंदी में ही फिर क्या नहीं, इंग्लिश तो आप बोल लेते हो, मैंने सुना आपको बोलते हुए, ऐसा थोड़ा नहीं है। बहुत, इतना नहीं, लेकिन कंफर्टेबल हो अब? हाँ थोड़ा बहुत, पर अपने यहाँ थोड़ा ग्रामर बहुत चलता है ना। हाँ करेक्ट, क्यों है ऐसा, क्या बहुत चेंज कराओ, वी वॉन्ट चेंज। मैं तो कुछ कर नहीं सकती कैसे नहीं कर सकते, इतनी रपारप करके बोलिंग डालते, अब तो नए बॉल से भी शुरू हो गए डालना, मतलब ये नया सा कुछ राजेश्वरी का रूप देख रही हूँ मैं, नए बॉल। वो चीज इजी है मेरे लिए, क्या इंग्लिश में बात करने से अच्छा कि मैं बॉल ही डालूं वो चीज इजी है। पर अब नया बॉल से भी डालने लगे हो, ये कब चेंज हुआ? बहुत टाइम से मैं नया बॉल कर, फर्स्ट ओवर, फर्स्ट ओवर मैंने 2020 के वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज में भी हाईएस्ट विकेट टेकर रही थी, तब भी मैंने न्यू बॉल से बॉलिंग करी थी। तो फिर कंटिन्यू क्यों नहीं करी? कप्तान कौन था ये? हैरी डी थे, हैरी डी थे। 2022 का जो वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड वाला और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था, आप पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे थे, रन पड़े, फिर विकेट मिली, फिर कैच छूटा, याद है वो? याद, मैं कमेंट्री कर रही थी उस समय, स्मृति के हाथ से छूटा था क्या? तब उसको क्या बोला था, कोई नहीं वेल ट्राइड। अब ऐसा कुछ था ही नहीं कि पकड़ लेते तो अलग ही माहौल बनता, पर होता है कितने भी अच्छे प्लेयर हो तो प्रेशर सिचुएशन में कैचेस छूट जाते हैं, तो कोई नहीं। लेकिन बाद में दीप्ति ने भी बहुत अच्छा ओवर डाला था, तो ऑलमोस्ट हम जीत ही गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो नो बॉल हुआ तो उसकी वजह से शायद हमारा मैच हाथ से निकल गया। पर आपने तो बहुत सारे वर्ल्ड कप खेले हैं, 2020 भी खेला है, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेला है, अब तो टेस्ट मैचेस भी होने शुरू हो गए हैं, तो कैसे अडेप्ट करते हो एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में, या सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, 2020 वर्ल्ड कप खेलना या 50 ओवर? एंजॉय तो हर फॉर्मेट करती हूँ, और रही बात T20 की, T20 में उस मैंने शायद वो वर्ल्ड कप से पहले कम बैक करा था T20 में, तो मेरे लिए वो चीज़ अच्छी थी कि नए बॉल से बॉल डालना, तो वनडे में तो बहुत ही कम मिलता है नए बॉल से बॉलिंग डालने के लिए, पर T20 में थोड़ा बहुत मुझे पसंद आता है कि थोड़ा चैलेंज खुद पे ले लूं, और कोई भी फॉर्मेट हो मज़े तो मुझे आते ही है, क्योंकि मुझे बॉलिंग करना पसंद है, तो ऐसा ये नहीं रहता कि मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से बॉलिंग करूँ, तो एंजॉय करती हूँ। प्रेशर सिचुएशन तो आपने बहुत देखी है, इनफैक्ट क्रिकेट खेलना जब आपने शुरू भी किया था तब से पूरी एक जर्नी रही है चैलेंज के साथ, जिसमें आप बहुत बढ़िया टॉप पर निकल कर आए हो, फुल मार्क्स 100 out of 100, याद है पूरी स्टोरी? मैं तो नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि आपने इतनी मेहनत करी, मैंने तो खुद देखा है, वो जो बॉल सर करके जाती थी ना उसके पीछे का हार्डवर्क, आप बताओ। हार्डवर्क तो बहुत ही किया है बचपन से लेके अभी तक, तो चल ही रहा है वो चीज़ें, लेकिन जब शुरुआत की थी तब तो सबको, अभी तो सबको पता है क्योंकि मैं पेसर थी, करेक्ट क्या ज़ाहिर खान जी पसंद थे तो मैंने उसी हिसाब से उनको देखते देखते बॉलिंग सीखी थी, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने सिखाया था, लेकिन उसके बाद एज भी बहुत कम थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उसकी वजह से वो बॉलिंग बहुत ही मुश्किल होने लग गया, जब खेलने गई U19 खेलने गई तो मेरा ओवर ही ख़त्म नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से फिर बाद में मेरे कोच ने मुझे बुला के बताया कि आपको शायद स्पिन डालना अच्छा रहेगा, पेस छोड़ दो, तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत बुरी लगी उस टाइम पे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मैंने उनकी बात सुन के बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जब भी कुछ बड़े कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें सुननी चाहिए, और उस टाइम के लिए शायद ही हम लोगों को चीज़ें गलत लगी, लेकिन फ़ायदेमंद होती है, और उसकी वजह से शायद मैं अभी अच्छी स्पिनर हूँ। बहुत अच्छे स्पिनर हो, क्योंकि मुझे पता है जब आप वार्म अप करते हो मैच के पहले और हम ग्राउंड पे आसपास रहते हैं, तो बहुत कम गेंदबाज देखे थे मैंने विमेंस क्रिकेट में, आपसे पहले तो मुझे कोई गेंदबाज ऐसा याद नहीं, नीतू डेविड, मुझे पता है कि जब नीतू डेविड के हाथ से बॉल निकलता था ना तो ऐसे आवाज़ आती थी सर करके, लेकिन उसकी जो गेंद थी उसकी अच्छा सा लूप पढ़ के टर्न होता था, और आपका जब जाता है ना तो इतना ज़ोर से वो सर सीटी बजाता हुआ जाता है। विमेंस क्रिकेट में मैंने
आपसे पहले, अब तो आई एम श्योर और भी आ जाएंगे या और हैं ऑलरेडी, वो नहीं देखा था, तो वो स्किल कैसा है? बिकॉज वो हर एक के पास से नहीं आती स्किल. एक्चुअली पहले जब शुरुआत करती हूँ, लुक बहुत अच्छा मेरा स्ट्रेंथ एक्चुअली वही था, क्योंकि अभी जैसे जैसे जितना खेलते जाते हैं तो खुद पे वर्क करना शुरू करते हैं. तो जैसे मुझे पता चला कि T20 के लिए ये बॉलिंग नहीं चलेगी, तो खुद को मैंने इम्प्रूव किया कि उस चीज़ में कि थोड़ा फ्लैट, जितना फ्लैट करेंगे बॉलिंग उतना अच्छा रहेगा स्पेशली T20 के लिए. तो उसी चीज़ पे मैंने वर्क किया और जितना तेज़ मैं कर सकती हूँ अब वही करती हूँ अभी भी. चलो हम राजेश्वरी को और अच्छे से जानते हैं. मैं कुछ अच्छे अच्छे हल्के हल्के से सवाल पूछूंगी, ठीक है? अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? क्रिकेटर नहीं होती तो शायद ही मैं सिंगर रहती, क्योंकि मैंने स्कूल्स में बहुत ही मतलब सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही पसंद था, क्योंकि मेरा घर पे भी बहुत मतलब संगीतकार लोग हैं घर पे. मेरी बहन बहुत अच्छी सिंगर है और पापा भी टीचर थे, पर म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट था उन्हें. और मेरा भाई जो है तबला प्लेयर है. वाओ. और उसके भी 3 स्टेट अवार्ड हो चुके. बाप रे. तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मेरा संगीतकार का है. क्या बात है, घर में चैंपियनशिप होती रहती है. हाँ, तो वो अभी वो क्रिकेट खेलती है, उसके साथ साथ वो भी सिंगर है. मेरे से बहुत ही बेहतरीन गाती है वो. पर एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने कहीं पे भी संगीत क्लास वगैरह कुछ नहीं कराया. जो भी सीखा है पापा की थ्रू ही सीखा है, उन्होंने ही जो कुछ भी सिखाया और थोड़ी बहुत नॉलेज है भी संगीत की. तो शायद मैं क्रिकेटर नहीं होती तो सिंगर जरूर. कभी ऐसी जुगलबंदी हुई है कि एक तबला बजा रहा है, एक गाना गा रहा है, एक डांस कर रहा है? डांस कौन करता है? डांस तो ऐसे कोई नहीं करता घर पे, पर जुगलबंदी जैसे आप बोल रहे हो, हम सब साथ में बैठ के गाना जरूर गाते थे. क्योंकि हम लोग जब रियाज करते थे तो पापा हारमोनियम बजाते थे, भाई तबला और मेरी बहने गाना. वाह. तो ये कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर पे ही माहौल बन जाता था. किचन से जब आवाज आती थी तो क्या आती थी? लाऊं? हमेशा मम्मी का तो आगे से नहीं पीछे से तो बहुत ही सपोर्ट रहा है, लेकिन जब पापा थे तो पापा को उनका ही बहुत बड़ा सपोर्ट था. जैसे हम लोगों को हर चीज में, हर फील्ड में उन्हीं का ही सपोर्ट रहा है. करेक्ट. अगर आपका फेवरेट क्रिकेट मूवी पूछूं या टीवी शो पूछूं, है कोई क्रिकेट मूवी देखते हो? हाँ, क्रिकेट मूवी मुझे वैसे ही स्पोर्ट्स के मूवीज बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया मूवी लगती है इकबाल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या खास बात लगती है उसमें? वो पिक्चर बहुत अच्छी है, मुझे मैं कोई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको उसमें क्या खास लगता है? मुझे यही चीज उसको क्रिकेट पसंद रहता है लेकिन घर से सपोर्ट नहीं रहता है, मतलब खासतौर पापा का. तो फिर भी वो मेहनत करता है, लेकिन उसको एक टाइम पे ऐसे होता है कि अच्छे कोच मिलते हैं और बहन और मम्मी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहता है. तो जिस तरीके से वो घर और स्पोर्ट्स और काम सब कुछ मैनेज करता है, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है. वेरी नाइस. जिस टीम में आप अभी हो, कोई डांसिंग सेशन हुआ है? क्योंकि जब मैं आई थी इस कमरे के अंदर तो माइक, म्यूजिक सिस्टम सब दिखा था मुझे. तो कोई डांस तो सारी लड़कियां करती हैं. सबसे अच्छा कौन कर रहा है? सबसे अच्छा तो दो लोग नाचते हैं, एक है अंजलि और एक है देविका. ओह क्या बात है, डांस बहुत पसंद है. हाँ, देविका बहुत टैलेंटेड है. हाँ. और अंजलि तो अभी पिछले दिन से जब हम जब ट्रैवल भी कर रहे थे इंडियन टीम के साथ, तो पता चल रहा था कि कोई कहता मैच ग्रेजुएट है, कोई कहता दीदी ये सब ने मुझे मैच ग्रेजुएट बना दिया है. अभी तो मैं मैच पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएट नहीं हूँ. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपने अभी तक रिसीव किया हो, चाहे वो अपने कोच से या टीममेट से? सब एक ही चीज़ बोलते, बहुत हम्बल है. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, पर जो मिलते हैं हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे तू पहले इंडिया खेलने से पहले जैसी थी अभी भी वैसे है. तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनने को, क्योंकि शायद मैं ऐसी होंगी तभी बोल रहे. कितने मिलते हैं ना आपका, मेरा नेचर कितना सिमिलर है. मेरा भी बिल्कुल शांत. राजेश्वरी मुझे वहां से आते देखती वहां मुड़ जाती है, कह रही नहीं फिर कुछ आएगा. नहीं. व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट? स्लीपिंग, डांसिंग या कुछ और? वैसे तो
स्लीपिंग ही है, जब जब टाइम मिलता है सोते रहो, करेक्ट, रिकवर होते रहो, इससे अच्छा कुछ नहीं है. बिल्कुल. अगर आप वापस जाओ अपने मतलब वैसे आप बहुत यंग हो, लेकिन और यंगर डेज में चले जाओ, वहाँ से कोई चीज़ चेंज करना चाहोगे कि मैं ये चीज़ बेटर करती ताकि मैं ये बेटर फॉर्म ऑफ राजा निकल कर आती? वही सबसे बात करना पहली बात तो. और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी से बात करती हूँ, वो शायद पहले वैसे रहती तो शायद आज ऐसे नहीं होती. पहले भी वही तो वही मुझे बदलना होगा, क्योंकि शायद सबसे खुद से जाके बात करना एक. नहीं नहीं कुछ नहीं बदलना आपने. नहीं बदलना. नहीं 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 नहीं, वो बॉल ऐसी जानी चाहिए सर करती हुई, कुछ नहीं बदलना, बहुत परफेक्ट हो आप. और अगर देखो आप परफेक्शन वाला सवाल पूछ रही हो, ध्यान से आंसर करना. हाँ, अगर आपने 3 क्रिकेटर्स को इनवाइट करना हो अपने बर्थडे पार्टी पे, ठीक है, 3 कोई ऐसे क्रिकेटर्स जिन आप चाहते हो कि जब मैं अपना बर्थडे केक काट रही हूँ तो वो मेरे सामने हो या मेरे पास हो, मेल फीमेल कोई भी, कैसे कौन से क्रिकेटर? अभी ज़्यादातर तो टीम में मेरी दो सबसे बनती है, लेकिन ज़्यादा मैं इतने टाइम से साथ रहती हूँ तो एक है दीप्ति और पूनम यादव और पूनम राउत, तो इन तीनों को मैं बुलाना पसंद करूँगी. पूनम राउत बहुत अच्छा अपना नाम लिया, आजकल हम उनसे बहुत बातें कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल शांत स्वभाव की है. तो वो जैसे बॉल डलती है वो कैसे करके दीदी चौका जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, बहुत पैशनेट है वो गेम के लिए. आप भी बहुत पैशनेट हो गेम के लिए. मैं दिखते नहीं हो शायद. अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंडियन टीम क्रॉसओवर नहीं कर पा रही है, हम इतने सारे सेमीफाइनल खेले, मैं एक फाइनल खेली हूँ और बाकी सारे सेमीफाइनल खेली हूँ, आपने सेमीफाइनल भी खेला है, सेमीफाइनल से नॉकआउट भी हुए हो पहुँचने से, और फाइनल भी खेल लिए, कितने एक दो दो फाइनल खेल लिए, क्या चीज़ है आपको क्या लगता है? ये सिर्फ एज अ डिस्कशन पॉइंट है कि ऐसा क्या चीज़ है जो चाहिए इंडियन टीम क्रॉसओवर कर पाए. वैसे टीम तो बहुत बढ़िया है और ये इंडियन एक ही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से टक्कर दे सकती है, और हम लोग शायद मुझे लगता है मेंटली शायद वीक पड़ जाते हैं उस मोमेंट में, और जब बड़ा गेम होता है तो मुझे लगता है शायद हम वहाँ से यहीं से स्ट्रांग होंगे, तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी कोई टीम नहीं है जो हम हरा नहीं सकते. तो एक ही चीज़ है जो वो खुद पे बिलीव करना, और कोई भी टीम हो सामने तो उसके उनके बारे में ज़्यादा सोचे बिना खुद पे खुद के स्ट्रेंथ पे बिलीव करके जो जब खेलेंगे तब रिजल्ट भी अच्छे आएंगे. अब जो आप इस टीम के अंदर खेल रहे हो यूपी की टीम से, और ऑब्वियसली सब कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, टॉप क्रिकेटर्स हैं, पहली बार शायद इतना ज़्यादा लंबे समय तक खेल रहे हो या इतना इंटरेक्शन हो रहा है, वरना 2-3 दिन का होता है, कितना डिफरेंस है? बहुत ही फ़र्क पड़ा है एक्चुअली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सब बेहतरीन प्लेयर्स हमारे साथ है, तो उनका बात करने से ज़्यादा उनका गेम देख के हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. जैसे ग्राउंड में वो लोग हर एक चीज़ इतना अच्छे से नोटिस करते हैं. मुझे एक चीज़ बहुत ताज्जुब लगी पहले गेम में, पहले नहीं दूसरे गेम में, जब हीली बैटिंग कर रही थी तो बारिश का मौसम था, तो उसने खुद से जाके अंपायर से डीएल पार्क के बारे में बात की कि ये चीज़ें फट से हमारे दिमाग में नहीं दौड़ती है उस टाइम पे, पर इन लोगों का हर एक चीज़ पे खेलते खेलते भी ध्यान रहता है. ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है पर सीखने लायक ज़रूर है. ऑब्वियसली लीसा हिली है, सोफ़ी एकल्सटन भी लाइनअप के अंदर है, और जब भी मैच होता है हम बात करते हैं कि सोफ़ी कहाँ से डालती है, कितना तेज़ डालती है, स्लो डालती है, और आप कितना आजकल खास तौर पे स्लो कर रहे हो, कितना फ़र्क गिर रहा है. कंपेटिटर ना देख के एज ए टीममेट देखते हो, तो कभी माहौल में कुछ चेंज हुआ है शायद आपके अप्रोच में, या इन टीम एनवायरनमेंट आपके दोनों के बीच में कुछ नई चीज़ सीखने को मिली या कुछ चेंज आया? पहली बात तो मैं किसी लेफ्ट आर्म को अपना कंपेटिटर बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि कंपटीशन हमेशा खुद के साथ ही रहता है, क्या ही दूसरों के बारे में उतना सोचना है. पर एक चीज़ अच्छी है कि डिसएडवांटेज मेरे लिए है एक हाइट. क्योंकि उसको हाइट की वजह से ज़्यादा निप मिलता है और उसको ज़्यादा उतना मेहनत मतलब ज़्यादा
और तेज नहीं डालेंगे, तेज नहीं डालना पड़ता क्योंकि उसका नेचुरल आता है। लेकिन मेरे खुद का ऐसा है कि मुझे तेज करने के लिए खुद को बहुत ही एनर्जी डालनी पड़ती है उस चीज़ को लेके। पर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उससे सीख सकती हूँ मैं, क्योंकि वर्ल्ड नंबर वन बॉलर है तो ऑब्वियसली उसके साथ ड्रेसिंग रूम से शेयर करना या उसके साथ खेलना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्ली अगर मेरे को समाप्त करना हो कि राजेश्वरी गायकवाड़ इस समय अपने करियर के टॉप पे है, बेस्ट पे है, लीडरशिप रोल में भी है, एक्सपीरियंस भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, तो यहाँ से राजेश्वरी अपने लिए आने वाले साल बतौर क्रिकेटर, बतौर इंडिविजुअल कैसे दिखती है? मैं इतने सालों से खेल रही हूँ पर एक चीज़ की कमी मुझे लगती है कि किसी टीम के लिए इजी नहीं होता है सेमीफाइनल या फाइनल खेलना। लेकिन अब हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं लेकिन वहाँ पे पहुँच के जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी और अच्छी बनूँ कि जो टीम रिक्वायर करती है मेरी तरफ से जो हो सकता है जो टीम के लिए मैं करूँ उससे शायद ही मेरे अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीते और जो पूरा हमारा सपना है वो पूरा कर पाऊँ सबका, तो शायद मेरे लिए भी बड़ी बात होगी। आखिरी सवाल अगर मुझे पूछना हो, जब आपके ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे और आप घर में बैठे होंगे, जुगलबंदी कर रहे होंगे, तबला सिंगिंग सब इकट्ठे चल रहा होगा, तो कौन सा गाना दिमाग में आएगा? बस इतना सा ख्वाब है या कोई नया गाना आएगा दिमाग में? सब कुछ पूरा होने के बाद ऐसे तो मुश्किल है दी। नहीं तो सपना पूरा करना कौन सा आसान है लेकिन जब आप खत्म करके घर जाओगे तो जुगलबंदी करोगे या सिर्फ अब मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, आई एम फाइन विद इट? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि सपने तो कभी पूरे नहीं होते क्योंकि एक सपना थोड़ी रहता है, एक खत्म होते दूसरा शुरू होता है। तो सपने मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी पूरे होते होंगे लेकिन यही रहेगा कि सपना ही देख सकते पूरा कब होगा उसका तो कोई कुछ जानता नहीं है। पर घर जाऊंगी तो बिल्कुल दिमाग में तो चलते रहेगी वही चीज़ें कि क्या बेटर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप अपना सपना देखिए, पूरा करने के लिए बाकी सारे लोग भी और ऑलमाइटी भी हैं आपको ब्लेस करने के लिए। कीप डूइंग वेल। थैंक। बड़ा मज़ा आता है जब मैं देखती हूँ बॉल कैसे जाती है मैंने सुना भी है जब मैं वहाँ पे बॉल डालती रहती हूँ आप किसी को शायद बोल रहे थे सुनना है। हाँ। सुनना मैंने सुना था किसी को आप बोल रहे थे एक दिन कि बहुत सर करके आवाज आती है जब। हाँ। बॉल रिलीज करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसे रेवोल्यूशंस के साथ जाती है ना तो वो हर एक के हाथ से छूटती नहीं ऐसे सब, मतलब किसी की कोई स्किल होती किसी की, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। सो ये स्किल हमेशा रखना और सपने देखते रहना और हम्बल रहना, नेचर मैच करता है ना कुछ हमारा। थैंक यू सो मच राजेश्वरी। थैंक यू।